गोला गोकर्णनाथ सीट पर। उपचुनाव से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां भाजपा के दिवंगत विधायक के बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया गया है। सपा ने विनय तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। आपको बताएं, अरविंद गिरी के निधन के बाद से गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी की यह सीट खाली हुई। यहां अब 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, 6 नवंबर को नतीजे आने हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की तरफ से दिवंगत अरविंद गिरी के बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया है। उपचुनाव को लेकर के यह बड़ी अपडेट, गोला गोकर्णनाथ सीट से विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई। और अभी बड़ी अपडेट यह है कि सपा ने विनय तिवारी को प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी ने अरविंद गिरी के बेटे को ही मौका दिया है, प्रत्याशी बनाया है। तो बीजेपी ने दिवंगत विधायक के बेटे अमन गिरी को इस वक्त की बड़ी खबर, अब उम्मीदवार के तौर पर अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।